Hello, second year BDS. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. And if you're new to my channel, I have a little intro of me in front of you so you can read it while I tell you about this video. So guys, today's video is all about the books which you'll need for your second year. इस वीडियो में मैं हर सब्जेक्ट की डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि उसके लिए मैं अलग वीडियोस बना दूंगी सेपरेट सब्जेक्ट्स के लिए. सो यू कैन वॉच दोज वीडियोस. बहुत ही जल्दी मैं वो भी अपलोड कर दूंगी. बट फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल द बुक्स दैट यू विल नीड. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवन ऑलरेडी. ओके, सो सेकेंड ईयर में आप लोगों के होंगे 5 सब्जेक्ट्स, बट एक्चुअली 7 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम 5 ही होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फार्माकोलॉजी. फार्मा वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट थ्रू आउट द ईयर, एंड आई टेल यू वाई इन माई डिटेल वीडियो अबाउट फार्माकोलॉजी. लेट्स मूव ऑन टू डेंटल मटीरियल्स. डेंटल मटीरियल्स में आपको सारे जो मटीरियल्स यूज़ होते हैं डेंटिस्ट्री में, जैसे इम्प्रेशन वगैरह लेने के लिए, उस सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे. देन वी हैव ऑपरेटिव एंड प्रोस्थोडोंटिक्स. सो बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, लेकिन इनका एग्ज़ाम जो होता है वो एक साथ होता है. नाउ देयर इज़ वन थिंग, कुछ कॉलेजेस में ऑपरेटिव और प्रोस्थो का पेपर नहीं लेते, थोड़ा सा बस पढ़ा देते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाते सेकेंड ईयर में. कुछ कॉलेजेस ज़्यादा डिटेल में जाते हैं. इन माई कॉलेज वी स्टडीड इट इन डिटेल एंड देन वी ऑल्सो गेव आर प्रोफ. सो इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट. फिर आ जाता है कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, जो सब बच्चों को बहुत बुरा लगता है, एंड यू गाइज विल नो वाई इन अ फ्यू डेज व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग इट. और एंड पे आ जाती है पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. सो दीज टू आर ऑल्सो डिफरेंट सब्जेक्ट्स, लाइक दे हैव देयर सेपरेट बुक्स एंड एवरीथिंग, बट यू विल हैव टू गिव द एग्ज़ाम कम्बाइंड. लेट्स स्टार्ट विद फार्मा. सो फार्मा में आप लोगों को थोड़ा तो आइडिया होगा कि यू विल स्टडी अबाउट द ड्रग्स, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एवरीथिंग. उसके लिए आप लोग बुक सिर्फ एक भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये अब आपकी चॉइस है. पहली बुक जो आप देखें दैट इज़ लिपिनकॉट एंड द सेकेंड वन इज़ मिनी कैट्जन. नाउ गाइज द थिंग इज़ कि अगर आपने फार्माकोलॉजी सिर्फ पास करनी है तो आप एक बुक यूज़ करें. पास का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पास, आई मीन आप बहुत अच्छे मार्क्स से भी फार्मा पास कर सकते हैं अगर आप सिर्फ एक बुक यूज़ करें, विच इज़ कैट्जंग. कैट्जंग बहुत अच्छी है. सिर्फ जनरल फार्मा जो है वो आपको लिपिनकॉट से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि लिपिनकॉट में ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, वरना आप कैट्जंग यूज़ करें बाकी सारे चैप्टर्स के लिए. And if you're someone who wants to get a distinction in pharma, then I think you should keep both books with you. Next is dental materials. Dental materials में मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोग सारे materials के बारे में पढ़ेंगे, जैसे metals जो crowns में use होते हैं, different impression materials के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. This subject is actually very interesting and also very important because you're becoming a dentist, so you should know about all of the materials that you're using और उसमें क्या ingredients use हों, सब कुछ के बारे में पता होना चाहिए. बट लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी ईजी नहीं लेना बिकॉज इट हैज़ अलॉट एंड अलॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू मेमोराइज एंड अलॉट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो इसीलिए इसको साथ साथ ही आप लोग करने की कोशिश करना. DM के लिए हमने ज़्यादा अपनी जो टीचर की स्लाइड्स थी उसी से पढ़ा था, बट फिलिप्स इज़ द मेन बुक दैट यू नीड टू कीप विद यू क्योंकि एक तो इसमें ना बॉक्सेस में क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, दोज कम इन द टेस्ट, सो यू शुड बी डूइंग दोज. प्लस कुछ भी अगर कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, देन यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर फिलिप्स एंड देन स्टडी फ्रॉम दैट. एंड MCQs ऑल्सो कम फ्रॉम दिस बुक. अच्छा, उसके अलावा देर इज़ अ बुक कॉल्ड नोट्स बाय शाहीना नुसरत. दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ शॉर्ट बुक, बहुत शॉर्ट भी नहीं है, बट दिस हैज़ ऑल्सो लाइक डिफरेंट चैप्टर्स समराइज्ड, एंड काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे बुक से समझ नहीं आ रही थी, दे वर रिटन इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स, सो आई रेड दोज टॉपिक्स फ्रॉम दिस बुक एंड देन आई अंडरस्टैंड देम वेरी वेल. फॉर एग्जाम्पल अमेलगम, डेंचर बेस वगैरह वाले टॉपिक्स जो है वो मैंने इधर से किए थे. ऑपरेटिव एंड प्रोस्थो. सो ऑपरेटिव के लिए हमने आर्ट एंड साइंस बुक यूज़ की थी, विच इज़ द फर्स्ट वन, एंड देन एट सेकेंड वी हैव लक्ष्मी फॉर प्रोस्थोडोंटिक्स. इन बुक्स को हमने पूरा नहीं पढ़ा था, सिर्फ इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी लर्न इन लैब्स. जब लैब में हम ऑपरेटिव में कैविटीज़ बनाते हैं और फिलिंग्स करते हैं, तो देन यू गेट टू लर्न अलॉट ऑफ थिंग्स देयर. और प्रोस्थो में भी ऐसे है, जब डेंचर बनाते हैं, क्लास वगैरह सब कुछ बनाते हैं, तो आपको वैसे ही जब आपने खुद चीज़ें की भी होती हैं तो आपको वैसे ही याद हो जाती हैं.
आई रिकमेंड यू, अगर आपको इन बुक्स की मार्किंग्स मिल जाती हैं तो दैट वुड बी रियली गुड। लक्ष्मी की तो मार्किंग्स फिर भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑपरेटिव के लिए आप लोगों को मार्किंग्स बहुत हेल्प करेंगी। नाउ कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री के लिए आपको दोनों बुक्स चाहिए होंगी विच यू आर सीइंग राइट नाउ। सेकेंड वाली हर्मिथ है, दिस इज़ लाइक द मेन बुक, एंड देन वी हैव जोसेफ जॉन, वी कॉल इट जे जे। तो जे जे थोड़ी सी छोटी बुक है, बट यू विल नीड बोथ ऑफ दीज, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हर्मिथ में लिखे हुए हैं जो जे जे में नहीं है, और कुछ जे जे में हैं जो हर्मिथ में नहीं है। तो इसलिए आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करने के लिए, टू मेक श्योर दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू विल हैव टू यूज़ बोथ दीज बुक्स। I want to give you a tip here. I know you guys are going to hate this subject. अगर किसी को subject पसंद आ जाए then he or she is definitely a rare person, because like almost everybody hates this subject and it's difficult, I know. But don't leave this for the end. ये सोच के कह चलो अभी मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं इसको end पे cover कर लूँगी, don't ever do that, क्योंकि इसका syllabus बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए please इसको भी साथ साथ ही आप करें। कम्युनिटी में आपको ज़्यादा चीज़ें बस रट्टा ही मारनी होंगी, तो इसीलिए जस्ट कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग इट सो दैट यू रिटेन ऑल ऑफ इट इन द एंड। कम्युनिटी के लिए हमारी मैम ने एक और भी बुक रेकमेंड की थी, दैट इज़ कॉल्ड CM मारिया, बट आई नेवर रेड फ्रॉम दैट, सो यू कैन चेक इट आउट इफ़ यू वॉन्ट टू, बट आई स्टिल रिकमेंड दीज टू बुक्स आर इनफ। सेकेंड ईयर इज़ अ डिफ़िकल्ट ईयर एंड आई नो देर वुड बी अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड अ लॉट ऑफ वर्क, आपको याद भी करना होगा इतना कुछ, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड देन यूल हैव टू डू सम प्रैक्टिकल वर्क, कोटाज एंड एवरी थिंग एज वेल। बट माई रिकमेंडेशन फॉर यू इज़ दैट जस्ट ट्राई टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड थ्रू आउट द ईयर, थोड़ा सा ब्रेक लें एंड देन यू नो स्टार्ट डूइंग इट अगेन, और कोशिश करें कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको साथ साथ ही करें, ताकि आपको एंड पे प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज अगर इसी तरह काम पाइल अप होता रहेगा तो एंड पे यू विल गेट एंग्शियस, आपको टेंशन भी ज़्यादा होगी और काम भी कंप्लीट नहीं होगा, या होगा भी तो आपको फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी एफर्ट अभी से करना स्टार्ट कर दें एंड यू विल बी हैप्पी इन द एंड। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट सब्जेक्ट विच इज़ पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। पैथोलॉजी के लिए आपको बुक चाहिए होगी रॉबिन्स, इट्स अ बिग बुक, और देख के परेशानी हो जाना क्योंकि हमने सारी नहीं पढ़नी। इसमें से आपने बस 6 to 7 टॉपिक्स जो हैं चैप्टर्स वो करने हैं, और बाकी पूरी बुक हम लोगों ने नहीं पढ़नी होती। माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी ऐसे ही लिविंसन बुक है, सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने, इसमें से सिलेक्टिव और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया के बारे में, वायरसेस, पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉमन डिजीज़ जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यू आर गोइंग टू लाइक दिस सब्जेक्ट। अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन है कि मैं अपनी बुक्स कहाँ से मंगवाती हूँ, सो आई गेट देम फ्रॉम यूनियन बुक शॉप, लाहौर में बुक शॉप है, बट यू कैन ऑर्डर देम ऑनलाइन एंड दिल डिलीवर ऑल द बुक्स टू यू। इनके पास ओरिजिनल बुक्स भी होती हैं और पायरेटेड भी होती हैं। अब पायरेटेड से आपके माइंड में पायरेटेड नॉवल्स आ जाएंगे जिनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, बट दोज पायरेटेड बुक्स दैट दे हैव, दे आर इन रियली गुड क्वालिटी। ऑब्वियसली ओरिजिनल जैसी नहीं होती, पेज थोड़ा सा थिन होगा, कलर हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी होती है विद मच चीपर प्राइस। सो चेक इट आउट इफ़ यू आर ऑन अ बजट, तो यू कैन ऑल्सो टेल देम कि मुझे पायरेटेड बुक्स दे दें, अदरवाइज इफ़ यू वॉन्ट ओरिजिनल यू कैन गेट ओरिजिनल एज वेल। And obviously this is not sponsored, मतलब मुझे वो बिल्कुल भी पैसे नहीं दे रहे ये सब कहने के लिए। मैं खुद यहीं से बुक्स मंगवाती हूँ, मेरी फ्रेंड्स भी यहीं से मंगवाती हैं, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है बुक्स मंगवाने में तो आप यहाँ से मंगवा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अगर किसी और बुक शॉप का पता है तो आप वहाँ से ले लें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात गाइज, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गेट योर स्टेप अप। स्टेप अप होती है पास्ट पेपर्स की बुक, और उसको प्लीज़ आप लोगों ने स्टार्ट में ही ले लेना, और साथ साथ ही जैसे जैसे चैप्टर्स आप लोग कंप्लीट करते जाएं वैसे ही स्टेप अप भी सॉल्व करते रहें, क्योंकि अक्सर जो है वो जो आपके टेस्ट होते हैं क्लास के वो भी, और इवन प्रॉफ में भी काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो सिर्फ स्टेप अप से आता है। तो इसीलिए ऐसे चांस को मिस नहीं करना और ज़रूर स्टेप अप यूज़ करनी है। And yes, this brings us to the end of the video. I hope this was useful. अगर कोई और question है mind में, you can just comment down below. अगर कोई और video recommendations हैं, do tell me in the comments and I'll try to make them. And all the best for your second year. कभी भी कोई भी problem हो, कि कोई भी चीज़ आप लोगों ने पूछनी हो, you can message me on Instagram as well. उसका link भी description box में है, और बाकी videos मैं inshallah कुछ दिनों तक upload करूँगी. Take care of yourself. Bye.